सुबह गंगा जी में स्नान करके बड़े बड़े संत आज भी भारती स्वामी आया करते थे, स्नान करके बैठ जाएंगे विश्वनाथ जी के मंदिर में, चढ़ाएंगे जल चढ़ाएंगे। क्यों? महादेव सबका गुरु है, यहीं से सबको विद्या मिलती, वहां क्षेत्र चलता है महादेव का, यही ब्रह्म विद्या का यहां से सभी को दान दिया जाता है, जिसको मिली परंपरा से तो यहीं से मिलती है। ऋषि ने प्रणाम करके कहा कि प्रभु आपकी जो विशेष भेंट है, जो आप ही के यहां से मिलती है, वो मुझे दीजिए। भगवान शंकर ने अधिकारी पाई, अधिकारी जानकर के उनको भक्ति का प्रसाद दिया और रहस्य समझा दिया। कथा पूरी हुई, भगवान शंकर चले, कथा में बड़ा आनंद आया, बड़े प्रसन्न होकर के भगवान महादेव पुलकित हो गए। क्या प्रभु की कथा का आनंद। रास्ते में चले आ रहे थे भगवान शंकर, सती के मन में थोड़ा संदेह हो गया कि इतने छोटे आदमी जिसका घड़े से जन्म हुआ है वो कथा कहता, और महादेव चराचर के गुरु होकर के भी उनकी कथा में इतने पुलकित हो गए, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, बार बार उनको रोमा, क्या आज आनंद आया कथा में। महादेव बोल, ऐसा क्या था कथा में? कथा तो वही है, भोजन तो वही है, एक भूखा आदमी खाता है और एक बीमार जिसको बुखार आ गया वो खाता है। भगवान शंकर ने बहुत आदर के साथ सुनी और यहां श्रोताओं में से सती का नाम निकाल दिया कि सुनी महेश, एक महादेव ने सुनी ठीक से। सुनना माने तात्पर्यावधारणम श्रवणम, कुछ आवाज आ रही है, ट्रक जा रही है और हम सुन रहे, इसको सुनना श्रवण नहीं बताया, तात्पर्यावधारणम। ये क्यों कह रहे हैं, क्या ये घुमा फिरा करके दृष्टांत दे दे करके, किसको केंद्र में रख करके, किसको सामने रख करके ये बात, छे छे युक्तियों से मीमांसा की। उपक्रम उपसंहार आदि की युक्तियों से आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादो उपपत्ति लिंगम तात्पर्य, निर्णय जिस बात से किया जाता है कि क्या मतलब, उसको श्रवण बोलते हैं। भगवान शंकर ने सुनी बहुत आदर के साथ, सती ने ध्यान दिया नहीं, चले आ रहे थे। उस वक्त भगवान राम की लीला चल रही थी, पिता के वचन को मानकर भगवान वन में आए थे और विचर रहे थे। रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया और सीता जी की खोज में चले, प्रभु रो रहे थे, सीता सीता करते करते पूछत चले, लता तरु पाती पत्ते को, वृक्षों को, लताओं को पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने प्रभु का ये चरित्र देखा, बहुत आनंद आया, वाह प्रभु, क्या मेरे प्रभु ने लीला की। एक आदमी को हम चाहे जानते हैं किंतु जब वो नाटक के मंच पर लीला करता है तो हम कहते क्या आज तुम राजा बने थे, हा बे हु। भगवान शंकर ने देखा कि मेरे प्रभु क्या आज राजकुमार बन करके मनुष्य लीला कर रहे, प्रभु नरलीला करते हुए राम जी को देखा। महादेव को बहुत आनंद आया और वैसे मिलना भी था, चाहते थे कि मैं मिलूं बात करूं, किंतु अब उनकी लीला चल रही और हम उनसे मिले तो जरा ठीक नहीं लगता। कथा में आते हैं तो कथा शुरू हो गई, उसके बाद जब तक बंद न हो तब तक मिलना नहीं, महाराज श्री से मिलना है ठीक है, उसका भी समय होता है कि आप प्रणाम करें, महाराज दर्शन करें, भगवान की लीला चल रही और बीच में तो मिलना ठीक नहीं होता, मिलने के समय पे मिलना अच्छा लगता है। भगवान शंकर दूर खड़े खड़े जय सच्चिदानंद जग पावन के कामारी, भगवान शंकर वहीं से लौट गए। मिलना तो था किंतु भगवान लीला कर रहे, और अब मैं मिलके कहूंगा कि कैसे हो, कोई नाटक के मंच पे राजा भर्तरी बन के खड़ा है और हम कहे कि कैसे हैं बाल बच्चे तुम्हारे, ठीक नहीं लगता।
महाराज श्री प्रवचन कर रहे और हम कहे कि आश्रम वाले कैसे वो ठीक नहीं लगते। उसका समय होता भगवान शंकर दूर खड़े खड़े जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज नशावन कामारी भगवान शंकर वहीं से लौट। और सती ने देखा कि ये क्या भगवान शंकर तो सारे संसार के पूज्य है पूरा विश्व जिनको वंदन करता है। सो नृप तने ही कीना प्रणाम एक राजकुमार को उन्होंने प्रणाम कर लिया और कहीं सच्चिदानंद परधामा सच्चिदानंद कह करके ब्रह्म का स्वरूप लक्षण उसको दे करके परम तत्व को प्रणाम किया। ये क्या बवाल है। सती के ध्यान में ये बात उतरी नहीं पचा नहीं है। प्रभु का चरित्र लीला को समझना बड़ा कठिन। भगवान कृष्ण कंस को मार दे वो तो बिना शायद दुष्कृताम निश्चय करके आए और मार रहे हैं दुष्टों को ठीक है, किंतु माँ यशोदा उनको रस्सी में बांध दे और अपने आप को खोल न सके ये लीला समझना बड़ा कठिन काम होता है। बंदे बंदे जिनका नाम लेने से मुक्ति हो जाती वो बंदे बंदे रो रहे हैं ये बहुत समझना कठिन होता। नलकुवर और मणिग्रीव ने जब भगवान की स्तुति की तो भगवान मुस्कुराए कि आज तक तो बंधन वालों ने मेरी स्तुतियां की मैं मुक्त था आज ये मुक्त होकर के मैं बंधन में पड़ा और मेरी स्तुति करते तो बड़ा अटपटा लगा भगवान मुस्कुराए थे। तो ये समझना बड़ा कठिन काम होता है। सो नृप तने ही किन प्रणामा ऐसे भगवान शंकर जिसको सारा संसार पूज्य कहता है ये विश्व का गुरु ये अखिलेश्वर हो करके राजकुमार को वो भी पत्नी के विरह में रो रहा उसको वंदन किया और सच्चिदानंद जग पावन कहकर मेरी समझ में तो ये बात आई नहीं। भगवान शंकर से पूछा उन्होंने कि ये आपने क्या कर दिया और भगवान शंकर ने उसको समझाया कि देखो सती ऐसा संशय करना ठीक देखो सती तव नारी स्वभाव ये तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है। प्रभु के विषय में ऐसा संशय करना वो ठीक नहीं। और भगवान शंकर ने वहां पर कहा जरा ठीक नहीं लगता। कथा में आते हैं तो कथा शुरू हो गई उसके बाद जब तक बंद न हो तब तक मिलना नहीं मत। महाराज श्री से मिलना है ठीक है उसका भी समय होता है कि आप प्रणाम करें महाराज दर्शन करें भगवान की लीला चल रही तो और बीच में तो मिलना ठीक नहीं होता। मिलने के समय पे मिलना अच्छा लगता है। भगवान शंकर दूर खड़े खड़े जय सच्चिदानंद जग पावन के कामारी भगवान शंकर वहीं से लौट गए। मिलना तो था किंतु भगवान लीला कर रहे और अब मैं मिलके कहूंगा कि कैसे हो। कोई नाटक के मंच पे राजा भर्तरी बन के खड़ा है और हम कहे कि कैसे हैं बाल बच्चे तुम्हारे ठीक नहीं लगता। महाराज श्री प्रवचन कर रहे और हम कहे कि आश्रम वाले कैसे वो ठीक नहीं लगता। उसका समय होता भगवान शंकर दूर खड़े खड़े जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज नशावन कामारी भगवान शंकर वहीं से लौट। और सती ने देखा कि ये क्या भगवान शंकर तो सारे संसार के पूज्य है पूरा विश्व जिनको वंदन करता है। सो नृप तने ही कीना प्रणाम एक राजकुमार को उन्होंने प्रणाम कर लिया और कहीं सच्चिदानंद परधामा सच्चिदानंद कह करके ब्रह्म का स्वरूप लक्षण उसको दे करके परम तत्व को प्रणाम किया। ये क्या बवाल है। सती के ध्यान में ये बात उतरी नहीं पचा नहीं है। प्रभु का चरित्र लीला को समझना बड़ा कठिन। भगवान कृष्ण कंस को मार दे वो तो बिना शायद दुष्कृताम निश्चय करके आए और मार रहे हैं दुष्टों को ठीक है, किंतु माँ यशोदा उनको रस्सी में बांध दे और अपने आप को खोल न सके ये लीला समझना बड़ा कठिन काम होता है। बंदे बंदे जिनका नाम लेने से मुक्ति हो जाती वो बंदे बंदे रो रहे हैं ये बहुत समझना कठिन होता।
नलकुवर और मणिग्रीव ने जब भगवान की स्तुति की तो भगवान मुस्कुराए कि आज तक तो बंधन वालों ने मेरी स्तुतियां की, मैं मुक्त था, आज ये मुक्त होकर के मैं बंधन में पड़ा और मेरी स्तुति कर रहे हैं, तो बड़ा अटपटा लगा, भगवान मुस्कुराए थे। तो ये समझना बड़ा कठिन काम होता है। सो नृप तने ही किन प्रणामा, ऐसे भगवान शंकर जिसको सारा संसार पूज्य कहता है, ये विश्व का गुरु, ये अखिलेश्वर हो करके राजकुमार को, वो भी पत्नी के विरह में रो रहा है, उसको वंदन किया और सच्चिदानंद जगपावन कहकर, मेरी समझ में तो ये बात आई। भगवान शंकर से पूछा उन्होंने कि ये आपने क्या कर दिया, और भगवान शंकर ने उसको समझाया कि देखो सती, ऐसा संशय करना ठीक, देखो सती तव नारी स्वभाव, ये तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं, प्रभु के विषय में ऐसा संशय करना वो ठीक नहीं। और भगवान शंकर ने वहां पर कहा, जिनकी कथा कुंभज ऋषि गा रहे थे, अगस्त जी महाराज ने सुंदर कथा जिनकी सुनाई, वो मेरे प्रभु थे, ये कोई राजकुमार सामान्य थोड़ी थे। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावई, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावई, कही रेती निगम पुराण आगम जासु की रति गावनी, कही रेती निगम पुराण आगम जासु की रति गावनी, मुनिधीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय प्रभु माया धनी, अवतरे हूँ अपने भगत ही निज तंत्र नित रघुकुल मणि, अवतरे हूँ अपने भगत निज तंत्र नित रघुकुल मणि, विमल मन जय जावनी, योगी सीध संतत विमल मन जय जावनी, योगी सीध संतत। बड़े बड़े ऋषि जिनका ध्यान करते हैं शुद्ध मन से, और मेरे प्रभु परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कहने वाले प्रभु, बस ये अवतार अवतरे हूं अपने भगत ही, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, ये लीला का विस्तार करके सभी को लीला के लड्डू खिलाने के लिए। भगवान शंकर ने बहुत बढ़िया युक्तियों से समझाया, किंतु बिना श्रद्धा के, बिना उस भक्ति भाव के कहां बात समझ में आती, शिष्य भाव आए बिना, भूख लगे बिना भोजन में से आनंद नहीं आता, वो जिज्ञासा के जगे बिना कोई कितना भी बढ़िया उपदेश दे वो आनंद नहीं आता, जो जिज्ञासु को आता है। उत्तम अधिकारी के सामने कही जाने वाली बात जितनी सफल होती है, जो ध्यान दे करके सुनता है, केवल कान कान नहीं है, कान में जिसने ध्यान जोड़ रखा है। सती को सुनाया भगवान महादेव ने बहुत अच्छी युक्तियों के साथ,
लागन और उपदेश। तो बात कोई अंदर उतरी नहीं, पची नहीं बात। यद्यपि कहे बहु बार शिव, भगवान शंकर ने बहुत बार कहा, फिर भी ये बात समझी नहीं। भगवान शंकर ने सोचा कि देखो प्रभु की माया कितनी प्रबल है, समझ में नहीं आती जल्दी से। बड़े बड़े लोग भागवत जी में, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, क्या दूसरों की बात करें। अचरज माया तुम्हारी प्रभु ऐसी, स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा कि ये बात जल्दी से समझ में आती नहीं, क्योंकि बड़ी माया विचित्र। ब्रह्मा मोए, शंकर मोए, मोए बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े विद्वान, वेद पढ़ते पंडित मोए भूल गए सुधी सारी। सती को बात समझ में नहीं आई, ये बात बड़े बड़ों की समझ में नहीं आई, ऐसी बड़ी अटपटी। ऐसी अचरज माया तुम्हारी प्रभु, ऐसी अचरज माया तुम्हारी प्रभु, ऐसी अचरज माया तुम्हारी प्रभु, ऐसी अचरज माया तुम्हारी, जिसमें मोहे सकल नर नारी, जो मोहित कर देते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी पुष्कर निवासी ने ये जो कहते, और अंत में उन्होंने घुमा करके यही बात की कि जिस पर कृपा होई तुम्हारी, जिस पर कृपा होई तुम्हारी, सो उतरे भवकारी, सो उतरे भवकारी, ब्रह्मानंद शरण में आए, ब्रह्मानंद शरण में आए, निजे मुझको उगारी प्रभु, ऐसी अचरज माया तुम्हारी प्रभु, ऐसी अचरज माया तुम्हारी प्रभु, ऐसी अचरज माया तुम्हारी। तो भगवान शंकर अपनी माया का, प्रभु की माया का बल देख करके मुस्कुराए कि ये नहीं आती है बात जल्दी से समझो। उन्होंने जो कहा सोच के ही कहा, मुझे कहां सोचना, बिना सोचे वो काम करो, आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय, विचार मत करो कैसा रहेगा वैसा करें। हाँ ठीक है, बैठे हैं, चर्चा निकली, व्यवहार में सभी कुछ होता है, किंतु आखिर में उन्होंने कहा वो सोच के ही कहा होगा, अब हमें उसको और सुधारने की कोई जरूरत नहीं। ये आदर भाव होता है, यही शिष्य भाव माना जाता है, ये उत्तम अधिकारी का लक्षण माना जाता है। अगर वे पूछ रहे हैं तो हमको बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा हमें ठीक लगता है, फिर आप जैसा सोचिए। तो भगवान शंकर ने बहुत समझाया, किंतु सती की समझ में बात नहीं है। और ऐसा होता है दुनिया में, हम सभी को समझा सकते हैं, किंतु कुछ ऐसे तत्व है जिनको समझाना बड़ा कठिन है। उनमें पत्नी का नाम आया है कि पत्नी को समझाना बहुत कठिन होता है, पड़ोस वालों को समझाना, सगे संबंधी को समझाना, और पत्नी को समझाना बड़ा कठिन होता है।
संसार तुम्हारा उपदेश सुन सकेगा, किंतु पत्नी कहेगी कि मैं जानती हूं तुम अपनी बात अपने पास रखो। बड़ा कठिन होता है। और ऐसा होता है सिद्धांत में भी कि जो अति समीप है ना उसको हम देख नहीं सकते ठीक से, जो अति दूर है उसको हम ठीक से देख नहीं सकते, ऐसे ही जो अति समीप है। सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारण, अति समीप जो रहता है हमको घड़ी देखनी कितना बजा है तो थोड़ा दूर पकड़ना पड़ता, अगर उसको आंख में मिला देंगे तो पता नहीं लगता। तो जो अति समीप है उसको समझना समझाना बड़ा कठिन, उसको पढ़ना देखना बड़ा कठिन। अति परिचयात अवज्ञा भी कहते हैं। हम लोग गंगा जी जाते हैं, वो साधना सदन में ठहरते, क्या आनंद आता है। सुबह शाम को स्नान करते, घाट पर बैठ करके भजन करते, क्या आनंद। जिसका मकान ही झोपड़ा ही गंगा के तट पर, उसको उतना आनंद नहीं है। वो ठीक है, वो कपड़े भी धो देगा, वो साबुन लगा के ना भी देगा, और हम यहां से मुंबई से जाएंगे घाट पर बैठेंगे, हमको जो आनंद आएगा, हम जितना गंगा जी को आदर देंगे उतना वो कैसे। सत्य की बात समझ में नहीं आई। ये आप तो बोले हैं, आप किसी को भी प्रणाम कर लेते, आप तो बड़े सरल हैं, आप तो भले आदमी, मैं तो बड़े चतुर दक्ष की पुत्री हूं, मैं कैसे प्रणाम करूं। और ऐसे नहीं चलता सती के। भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम तो किन जाहि परीक्षा ले, जाओ तुम जरा देख लो, अपनी बुद्धि लगा लो। महादेव ने गुस्सा भी नहीं किया, ये भी नहीं कहा कि तुमको इतना वो नहीं है, तुम भी नहीं है, मैं इतना कर नहीं, हंस दिया, अच्छा ठीक है चलो तुम देख लो। कितनी सरलता है। सती ने सोचा, और सती बार बार विचार करके सीता जी का वेश बनाया, कहा कि जरा देखती हूं, ये रो रहा है, अगर मैं सीता बन के सामने खड़ी हो जाऊंगी तो वो कहेगा कि तुम कहां गई थी, मैं रो रो के परेशान हो रहा था, और तब मैं सोचूंगी कि इसमें कुछ है नहीं, ये तो साधारण सा राजकुमार है, और मुझे यदि पहचान लेगा तो मैं समझूंगी कि हाँ कुछ गहरा पानी है। धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेही जही आवत नरभूप। भगवान राम रोते रोते जिस रास्ते से आ रहे थे, सती सामने से सीता बन के खड़ी हो गई, बड़ी बन ठन के हावे हु बहुत हु बहु सीता बनी। भगवान राम ने देखा, लक्ष्मण जी ने भी देखा और कहा कि ये क्या आज हो गया, भगवती के मन में आज ये क्या आ गया, किंतु मेरे प्रभु की लीला का ये भी एक पात्र होगा। लक्ष्मण जी चुप रहे, लक्ष्मण दीख सती कृत वेश, ये बनावटी वेश में भगवती सती खड़ी है, वे भी समझ गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज देखो मैं उस तत्व की चर्चा तुम्हारे सामने कर रहा हूं, सुमिरत जाहि मिटे अज्ञान, जिसका स्मरण करने से सारा अज्ञान मिट जाता है। सती ने सीता का वेश बनाया, प्रभु ने जान तो लिया। सो सर्वज्ञ राम भगवान, वो सर्वज्ञ है, वो भगवान है। भगवान ने सोचा कि अगर मैं कहूं कि सीता तब भी बात ठीक नहीं बनेगी, और मैं कहूं कि सती तब भी वेश सीता का, अगर कोई नाटक कर रहा है हम उसको असली नाम से बुला दे तो ठीक रहेगा नहीं, और सीता कह दूं तो ये तो जगत की माँ है, ये तो मेरी माँ है, मैं उसको सीता कैसे कहूं। भगवान ने न सीता कहा न सती कहा, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया, नमस्कार नमो नारायण, जोरी पानी प्रभु की नहीं प्रणामा। और नमस्कार की जो पद्धति थी, बड़े को नमस्कार करने में अपना परिचय दिया जाता है कि मैं अमुक गोत्र का हूँ, अमुक का लड़का हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लोग आकर पूछते, महाराज जी आप मुझे जानते हैं, भाई हजारों के बीच में कभी आते हैं कैसे, कितनों को जानेंगे, भगवान को जाने, शास्त्रों को जाने, कि सभी को जाने। ओ आपने मुझे पहचाना भी नहीं, बड़े के सामने खड़े होकर के अपना पहले परिचय दिया जाता है कि अमुक गोत्र का, अमुक मेरा नाम, मैं आपको प्रणाम करूं। ओहो आइए कैसे सके।
भगवान राम ने पितु समेत अपने पिता नाम देकर सती को प्रणाम किया और इतना ही पूछा कि कहां वृष केतु महादेव जी कहां। अब इतने में बहुत गंभीर बात हो गई और विपिन अकेले फिर कही है तो ये वन में आप अकेले कैसे कहो बहोरी कहां वृष केतु। भगवान वृषध्वज नंदी पे चढ़ने वाले कहां है मेरे प्रभु का। जैसे कोई परिचित मिलते हैं कोई माता मिलते तो हम पूछते हैं कि सेठ जी कहां है आप कैसे अकेले आ। भगवान राम ने पूछा कि कहां वृष केतु और ये जरा उनको चुटकी भी लगा दी कि आप अकेले। अर्थात भगवान की निष्ठा के साथ आपको रहना चाहिए था आप उनसे अकेले हो गए। कहीं हेतु उसका हेतु क्या है। सती ने सोचा कि प्रभु ने मुझे पहचान तो लिया अब क्या किया जाए। वो जरा शर्मिंदी होकर के लौटी वहां से राम बचन मृदु गुड सुनी बड़े गुड और मीठे बचन सुन करके बड़ी शर्मिंदी होगी कि मैंने क्या किया प्रभु ने तो मुझे पहचान लिया और तो कुछ नहीं अब महादेव कहेंगे तो मैं उनको कहूंगी कि। सती के मन में ये शंका हो रही थी बड़ा दुख लग रहा था। इतने में प्रभु ने उनको विशेष रूप दिखाया आगे देखा तो सीता जी राम जी लक्ष्मण जा रहे बैठे हुए बड़े बड़े सिद्ध मुनि ब्रह्मादि देवता उनकी सेवा कर रहे हैं ऐसे प्रभु के रूप में देखा। सती कुछ निश्चय नहीं कर पा रही आंखें बंद करके जमीन में बैठ गई कि मैं क्या देख रही। फिर से उन्होंने आंख खोल के देखा तो कछु न देख तहां दक्ष कुमारी। यहां दक्ष कुमारी कहा कि एक पक्के आदमी की लड़की है भवानी नहीं कहा या दक्ष कुमारी। ये दक्ष की चतुर की पुत्री है। इन्होंने इतना देखा तब भी कछु न देख कुछ भी नहीं दिखा। फिर अपने रूप में आ गई सती बन के महादेव के पास बैठ गई और यहां भोलेनाथ तो एक बट वृक्ष की छाया में बैठे थे। ठीक है मेरे प्रभु की जो इच्छा हो प्रभु की माया जो जिसको नाच नचाती है वो नाच ले। महादेव थोड़ी देर बैठ गए चिरानंद रूप शिरो शिरो चिरानंद सोई जो राम रची राखा ये ठीक नहीं हुआ मेरी बात उनकी समझ में नहीं। इतने में सती आ गए कहा कि प्रभु भगवान शंकर ने कहा कि कैसे परीक्षा ली जरा सच सच बताओ। जब कोई आदमी झूठ बोलना चाहता है तब पूछा जाता है कि तुम सच बोलना ठीक से बताना तूने क्या किया। लीन ही परीक्षा कवन विधि कहो सच्ची बात बताओ तूने क्या किया।
अब देखिए यहाँ की बात बड़ी गंभीर है। नहीं नहीं प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कि नहीं प्रणाम तुम्हारे, नहीं जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया, और आपने जो कहा वो बात तो ठीक ही थी, मैं तो मान ही ली थी। कि न प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, तुम जो कहा सो मृषान हो, आपने जो कहा वो गलत नहीं हो सकता, और मेरे मन में आपके प्रति विश्वास है। सती ने झूठ बोल दिया। आहा, यहां से कुछ बाजी बिगड़ी है। कि न प्रणाम तुम्हारी नहीं, ये नहीं कहा कि मैंने सीता का बेस बनाया और इतना लंबा चौड़ा नाटक करके आ रही। देखिए सुख दुख तो सभी को आता है, किंतु झूठ बोलना ये बड़ा गलत काम है। सुखी हुए दुखी हुए, मान अपमान हुआ, रात दिन की तरह वो बदलता रहता है, नफा हुआ नुकसान हुआ, किंतु जो झूठ बोलता है वो बहुत भूल करता है, बड़ा अपराध होता है। झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा। नहीं असत्य समपातक पुंजा, झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है, वो बहुत बड़ा गुनाह। और कोई भी यदि जान लेगा कि ये मेरे सामने झूठ बोलता है, बड़ा बुरा लगता है कि क्या मुझे बना रहा है, कुछ और बता रहा है कुछ और, ये बड़ा अपमान सा लगता है। और झूठ बोलने वाला हर पाप का हर अपराध का वो करता माना जाता है। एक नौकर गया किसी सेठ के पास और कहा कि सेठ आप मुझे नौकरी पर रखेंगे। सेठ ने पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो, अपना परिचय दिया और कहा कि देखो तुम्हारे में कोई गलत आदत तो नहीं है। उसने नहीं नहीं जी बिल्कुल नहीं, कोई सवाल नहीं। अच्छा तुम बीड़ी पीते हो ना, तुम कभी तंबाकू खाते हो कि नहीं नहीं जी बिल्कुल नहीं। अच्छा कभी शराब वराब नहीं पीते, बिल्कुल नहीं महाराज। तुमने कभी चोरी जुआ आदि कुछ ये गलत आदत तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गलत आदत नहीं मेरे। सेठ ने पूछा कि फिर तो तुम बड़े भले आदमी लगते हो, फिर तुम्हारे में कोई गलती नहीं, तुम कोई अपराध नहीं करते, तुम्हारा जीवन बिल्कुल निरअपराध है। बोले सेठ जी एक गलती है छोटी सी, वो ये है कि मैं झूठ बोलता रहता हूं। अब देखो क्या रहा उनकी मना का क्या बल रहा, सारा तलिया निकल गया उनकी सारी बातों का। झूठ बोलता है वो क्या नहीं करता है ये प्रश्न बताया। सती ने झूठ बोल दिया। जलू पे सरिष बिकाया, 10 लीटर दूध में अगर 1 लीटर पानी मिला दिया तो वो भी इतना ही महंगा बिकता है, किंतु कब तक, जब तक उसमें खटाई नहीं छोड़ी, जब तक उसमें छाछ नहीं छोड़ी। पति पत्नी चाहे दो हो, गुरु शिष्य मित्र मित्र कोई भी संबंध में हम दो हो, किंतु जब तक उसमें खटाई नहीं छूटी, उसमें छाछ नहीं गिरी, झूठ नहीं आया जीवन में, तब तक वो मिला रहता है। कपट खटाई भरत पुनी मिलत हो ही रस जाई, एकदम से वो अलग अलग हो जाते। जब कपट है, पति पत्नी हो, गुरु शिष्य कोई भी हो, पार्टनरशिप, जब पता लगता है ये देखो मेरे सामने झूठ बोल, फिर वो मजा नहीं रहता जीवन, फट जाता दूध की तरह जीवन पूरा। भगवान शंकर तो सर्वज्ञ है, उन्होंने अपनी अंतः प्रज्ञा से सब कुछ जान लिया और कहा कि देखो तो सही मेरे प्रभु की माया कितनी प्रबल है जो सती को झूठ बुलाती है। महादेव की उदारता थी, हरि माया ही शिरनावा, जय हो मायायाम सर्वसंभवता। महादेव ने ये समाधान कर लिया, माया सब कुछ करा सकती है। देखो तो सती अब झूठ बोल रही है मेरे साथ, महादेव ने कुछ बताया नहीं, किंतु सती के मन में विक्षेप होने लगा। महादेव विचार करने लगे कि देखो अब उन्होंने सीता का वेश बनाया, अब मैं इसको पत्नी समझूंगा तो ये भक्ति कलंकित हो जाएगी, सीता तो मेरी माँ है, भगवान राम तो मेरे प्रभु है, भगवती तो मेरी पूज्या है, और मैं सती को यदि अब पत्नी के रूप में स्वीकारूंगा तो बड़ी निष्ठा के ऊपर बड़ी श्रद्धा के ऊपर चोट लगती, और यदि इसको कहूं कि चले जाओ तुम अपने बाप के घर तब भी वो तो ठीक नहीं होता। महादेव के मन में बड़ा बुरा लगा, अब क्या किया जाए। वे सोच ही रहे थे
इतने में हृदय में से प्रेरणा मिल गई, कहा कि यही तन सती ही भेंट मोरी नहीं। चलो जो भी हुआ, माया ने जो करवाया करवाया, किंतु इस शरीर से मैं सती का पति के रूप में स्पर्श नहीं कर सकता। और परम पुनीत ने जाई तजी, वैसे है भी पवित्र, उन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया, किंतु महादेव ने मनोमन ऐसा निर्णय कर लिया कि यही तन सती ही भेंट मोरी नहीं, अब इस शरीर से मैं सती का पति के रूप में स्पर्श नहीं कर सकता। आकाश में से आवाज आई कि जय हो महादेव, आपने बड़ा कठिन व्रत धारण किया, बस यही व्रत तो आप ही निभा सकते हैं। भीतिर नैव भुजंग पुंगव विषाद, प्रीतिर न चंद्रामृता, ना शौचम ही कपाल दाम लुननाथ, शौचम न गंगा जला, नोद्वेगस चिति भस्मनो न च सुखम गौरी स्तना लिंगनाथ, स्वात्मा राम तया हिता हित सम स्वस्थो हरा। भगवान शंकर की ये बड़प्पन पातु माम। महादेव ने ये निर्णय कर लिया कि यही तन सती ही भेंट मोहि, इस शरीर से अब सती से मैं नहीं मिलूं। यदि भी भगवान शंकर ने बताया नहीं, आकाशवाणी की आवाज सुनी सती ने भी कि आपने बड़ा कठिन व्रत, बड़ा गंभीर संकल्प किया। सती ने पूछा, महाराज आपने कौन सा संकल्प किया? भगवान शंकर ने कहा, कोई नहीं, अब धूप फट गया, अब कुछ हृदय में अंतर आ गया, कोई नहीं। महादेव ने बात टाल दी। सती के मन में बड़ा दुख हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे प्रभु अब मेरी ओर देखने को राजी नहीं है। चलते चलते महादेव रास्ते में भगवान की कथा कहते कहते कैलाश पर पहुंचे, और महादेव वहीं अपने वट वृक्ष की छाया में बैठ करके समाधि में आंख बंद कर संसार की ओर से, व्यवहार की ओर से जब कोई चोट लगती है तो भजन में बड़ा आनंद आता है। विक्षेप जब आता है जीवन में, बड़ा ध्यान में पूजा पाठ में बहुत आनंद आता है। संध्या उस दिन की बड़ी दिव्य होती है। भगवान शंकर का मन जरा शुद्ध हुआ, ध्यान में बैठ गए। महादेव को समाधि लगाने में तो कोई देर लगती नहीं, एकदम समाधि लग। सती बड़ी दुखी दुखी हो गई, मैंने भूल कर दी, महादेव के साथ कपट किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, किंतु अब क्या करें। बड़ा समय लंबा लंबा लगता था। महादेव तो उपेक्षा करके समाधि में बैठ गए, चिदानंद रूप अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। रात दिन सती भगवान की क्षमा याचना करती, प्रभु मेरी गलती हो गई और मुझे बड़ा दंड मिला, मैं समझती, किंतु अब ये मेरा शरीर छूट जाए और मैं दूसरे शरीर से प्रभु से मिलूं, आप दीन दयालु है, मेरी अर्ज सुन के इतनी दया कर ले, छूट ही बेगी, ये मेरा शरीर छूट जाए और तब इस अपार दुख के पार में पहुंचूंगी, तब जयी हूं दुख सागर पारा। समय हुआ दक्ष प्रजेश भये तेई काला, बीते लंबा समय निकल गया। महाराज दक्ष उन दिनों प्रजापति बने थे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भई हमारे समाज का भी कोई अध्यक्ष होना चाहिए। अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका, जिस संस्था को कोई चलाने वाला न हो वो बिखर जाती हैं, ऐसे हमारे समाज का भी कोई संचालक हो, कोई प्रधान हो, उसका कोई नेता होना चाहिए। तो दक्ष ही किन प्रजापति नायक और सभी प्रजापतियों का उनको प्रधान बना दिया, उनको प्रमुख बना दिया। यहां पर दक्ष लिए मुनि बोली सब, बड़े बड़े मुनियों को बुलाया और बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। आकाश में से बाजे बाजते बजते जा रहे थे और